असलाम ब्रूत, की हाल चाल है जी तुहाडे? नहीं नहीं, आप सोच रहे हो कि हेयर कट करा लिया, पैसे आए तो मैंने कहा कुछ अच्छी चीज़ें करा लेनी चाहिए, तो मैंने सबसे पहला काम किया जी, मैंने जौन सा हेयर कट करवाया और अब मैं वो सारे कनेक्शन कट कर रहा हूँ जो लोग ना मेरे को पीछे कर रहे हैं। आप सोच रहे हो कि मैं बोल कहाँ से रहा हूँ, ना मैं ऑफिस से बोल रहा हूँ, ना मैं अपने कार से बोल रहा हूँ और इस समय अपने मुंह से बोल रहा हूँ। ज़िंदगी में और है क्या जी, थोड़ी बहुत बातें, थोड़ा बहुत हंसी मजाक। अब आप देखें भाई, हमारी जो हालतें हो गई हैं वो कांग्रेस जो आपकी इंडिया की जो पार्टी है उसकी तरह हो गई है। हालांकि उसने टूल किट छोड़ दी, लेकिन हमने वही टूल किट पकड़ ली। अब हमारे यहाँ की जो मीडिया है वो इंडियन वायरस का राग लाप रही है, चारों तरफ मिस्टर मोदी को मतलब वो लपेट रहे हैं, खींच रहे हैं, और जिसे बोलते हैं ना कि भाई घेराबंदी कर रहे हैं जी, तो उस तरीके की चीज़ें हो रखी हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो हैं, हम लोग भी कौन सा दूध के धुले हुए हैं, हम लोगों ने भी इस तरीके का माहौल बनाया है कि भाई, एक बार मुझे अच्छे से याद है कौन था वो कांग्रेसी, हाँ उसने बोला था मणिशंकर अय्यर जो भी हो ये होते हैं, इन लोगों में बोले यार इस बंदे को अगर आप बना दोगे ना तो देखना सूरत हाल क्या होगा। मैंने कहा चलो जी ठीक है। तो 2024 में ना हम लोगों की जो स्ट्रेटजी है, जो टूल किट है हमारी, वो यही है कि मिस्टर मोदी को किस तरीके से नीचे लगाना है, मतलब कि धूल चटानी है, किस तरीके से उस बंदे को ना डिप्रेशन में लाना है, किस तरीके से हराना है, मणिशंकर जो अय्यर है उसको बंदे को लेकर के आना है। आप देखें आज हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, हमारे पास ना तो पैसे होते हैं, ना हमारे पास कोई इम्प्लीमेंट करने की चीज़ होती है। हमारे को तो सिर्फ क्या है कि सामने वाला नीचे लगे तो हम ऊपर हो सकते हैं। हम इतने बड़े पड़े हैं, इतने डेप्थ में गए हुए हैं कि मैं क्या बताऊं आपको, मतलब कि नीचे ज़्यादा और गए ना थोड़ी देर बाद तो हमारे को ना अंदर से मतलब वेल मछली ही खा जाएगी, इस तरीके से हम जो है बात हो रखी है हमारी। बट एनीवेज मैं तो सिर्फ ये बात बोलूँगा कि जिस तरीके से इंडिया वाले लोग मोदी के पीछे पड़ रहे हैं, हमें ज़रूरत ही क्या है कि हम उसके खिलाफ कोई चीज़ करें। हमने करके देखी थी तो देखिए जी, उस बंदे ने हमारे लिए ना ऐसे हालात पैदा कर दिए कि ना हम इधर के रहे ना उधर के, राइट फ्रॉम सर्जिकल स्ट्राइक, हर तरीके से ठोका ही ठोका है हमें। मतलब आई यूज़ टू बी ए क्रिकेटर और मैं रन ठोकने के लिए बड़ा मशहूर था, विकटें ठोकने के लिए बड़ा मशहूर था कि भाई आए किल्ली और धुम ठोक दी और विकेट आपकी, आए दो तीन छक्के मारे आउट हो गए, छक्के ठोके आ गए। पर ये जो बंदा है ये छक्के पे छक्के नहीं ठोक रहा है, छक्के तो मार ही रहा है लेकिन उसके अलावा जो मार रहा है वो, अब क्या बताऊँ आपको, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे ना बोलना भी अच्छी बात नहीं होती क्योंकि तो फैमिली का कोई बंदा देख ले तो ठोका पीटी अच्छा थोड़ी लगता है। हाँ मैं आपसे कह रहा था कि जैसे भाई अब जो हमारा टूल किट है, जो हमारा प्लान है, जो हमारी प्लानिंग है, वो सिर्फ यही है 2024 में मोदी को हटाना है और ऐसे बंदे को लेकर के आना। देखिए कश्मीर तो हमारा हो ही जाना है फिर भाई, वैसे तो है ही हमारा वो POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, लेकिन उसके साथ साथ हमें दो तीन राज्य जो है वो भी फ्री में मिल जाने। क्यों, बंदे हमारे काम कर रहे हैं उनके, भाई आप देखें राहुल बाबा के पास कहीं पे जाने की, रैली में जाने की औकात नहीं थी, रैली में कहाँ से जाता, बंदे ही नहीं थे, तो उसने अपने आप को प्लस पॉइंट कर लिया जी मैं आपकी बार रैली नहीं करूँगा। बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया इंसान है बंदा, कितना बढ़िया। ओ बंदे ये तो बता दे कि तेरे पास बंदे ही नहीं है रैली करने को, तू रैली बंद करेगा। एनीवेज हमार को टूल किट मिल चुका है, अब हमें उस पर काम करना है और हम जिस तरीके से लगे पड़े हैं ना पूरे जोश व खरोश से, आप देखिएगा इंशाल्लाह हम जो है कहीं ना कहीं फतेह तो पा ही लेंगे, वरना फटी तो पड़ी। बट एनीवेज मैं यही बोलूँगा,
ऑल दी वेरी बेस्ट हमें बोलें आप लोग, ताकि हम लोग अपने जो मंसूबे हैं उनमें जो है इस तरीके से बाहर आए कि भाई यू नो ब्राइट कलर्स हमारे हाथ में लगें। मैं रखता हूँ, अभी फिर आऊँगा आपके पास बताने के लिए कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। अल्लाह हाफिज़। नो सईद, नो बगदादी, नो इमरान, नो पाकिस्तान। जय श्री राम। नाम मैंने भी ले लिया अब, ठीक है जी।